मिस्टर जय कुमार, हर बॉडी फंक्शंस ऑफ फेलिंग और आर्टिफिशियल सपोर्ट देकर हम उन्हें ज्यादा नहीं चला सकते। मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास, इसलिए जितना हो सके ये आखिरी वक्त आप उनके साथ ही गुजारिए। पापा, यू ऑल राइट? विद्या जा रही है, तेरी मां हमें छोड़ के जा रही है बेटा। पापा, पापा प्लीज संभालिए अपने आप को। पापा प्लीज रोइए मत। पापा, अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें कौन संभालेगा? पापा, पापा प्लीज जल्दी चलिए, मम्मी आपको बुला रही है। पापा जल्दी चलिए। विद्या, जय, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं सुन रहा हूं, बोलो। सिर्फ तुमसे। अच्छा बेटे, तुम्हारी मां कुछ मुझसे बात करना। जी बाबा। जय, मेरे जाने का समय आ गया। सब ठीक हो जाएगा विद्या, ऐसी बात मत करो। तुम तो मेरी आत्मा हो, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? जय, जय मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? बहुत बहुत बहुत। मुझ पर बहुत भरोसा करते हो ना? अपने से भी ज्यादा। मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया। कोई बात नहीं विद्या, तोड़ दिया ना, कोई बात नहीं। छोटी मोटी बातें तो जिंदगी में नहीं। जो बात मैं तुमसे कहना चाहती हूं जय, वो छोटी नहीं, मेरे मन पर बोझ है। जाने से पहले मैं ये बोझ हल्का करना चाहती हूं। मैंने तुमसे कहा ना, ये देखो जाने वाने की बात मत करना। याद है जय, बहुत साल पहले तुम कनाडा गए थे। हाँ, तो रोहन के पैदा होने से पहले की बात है। तुम कनाडा गए थे, अभी बीमार पड़ा, उसे जोरों का बुखार हुआ था, डॉक्टर को बुलाना पड़ा अभी के लिए। वो डॉक्टर शेखर शरण, मैं उसे बचपन से जानती थी। शादी के बाद मैं पहली बार उसे मिली थी, मैं उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। तुम थे ना मेरे साथ।
भाभी को अच्छा कर दिया। फिर क्या विद्या? हम कमजोर हो गए थे। वाला भरोसा तोड़ बैठे। गलती किसी से भी हो सकती है, भूल जाओ सब। तुम कनाडा से लौट आए, रोहन मेरे पेट में था, मैं इसे पैदा करना नहीं चाहती थी। रोहन की खबर सुनकर तुम बहुत खुश हुए, तुम्हारी जिद ने रोहन को होने दिया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि रोहन। विद्या प्लीज आगे कुछ मत कहना। विद्या प्लीज, विद्या और कुछ मत कहना। विद्या और कुछ मत कहना। विद्या कुछ मत कहना। रोहन तुम्हारा बेटा नहीं है। रोहन तुम्हारा बेटा नहीं है। अरे अरे, आप होश में आ गए। गुड, वेरी गुड। हाउ डू यू फील नाउ? ओके, लेकिन मुझे पिछले 3 दिन से आप होश में नहीं थे। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, फिर भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज डॉक्टर फील इट इज रिलेटेड टू योर हार्ट। मैं यहाँ अकेला? नो, आपका बेटा रोहन हर पल आपके साथ था। अभी अभी दवाई लेने गया है, आप ही के लिए। आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रोहन, रोहन, कितना प्यारा है मेरा बेटा। इसकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी नाक, मेरे जैसे हूँ, बिल्कुल मेरे ऊपर गया। विद्या मिस्टर जय, आपको डिस्चार्ज किया जा रहा है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। हाँ, बाबा जी आप लेट जाइए, मैंने पानी रख दिया। किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। अच्छा जगदीश, कैसे हैं पापा? पापा, डॉक्टर ने बोला है जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते आप किसी चीज की टेंशन नहीं लेंगे, ना काम की ना किसी और चीज की। ये आपकी दवाइयां हैं,
ये आपका प्रिस्क्रिप्शन, फिलहाल आप ये टैबलेट ले लीजिए। रख दो, ले लूंगा। बिल्कुल नहीं, अभी लेनी पड़ेगी मेरे सामने। मैंने कहा ना ले लूंगा मैं। पूजा कहाँ है? भैया के घर गई है। कुछ चाहिए आपको? नहीं, तुम जा सकते हो। मैंने कहा ना तुम जा सकते हो। पापा, आपको याद है ना डॉक्टर ने क्या बोला है आपको? आपका हार्ट बहुत कमजोर है, आप सिगरेट नहीं पिएंगे। I said, you go now. दवाई ले लीजिएगा। रोहन मुंह खोलो, दवाई पियो। सुना कि नहीं? मुंह खोलो, दवाई पियो। चुपचाप, थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? क्या करूं, तुम्हारा लड़ला दवाई भी अपने पापा के हाथों से पीना चाहता है। नो प्रॉब्लम, पापा दवाई पिलाएगा। हाँ, लाओ दो। मुंह खोलो। ठीक है, ताली बजाओ। पापा की बात किसे झट से बांधे, जैसे मैं इसकी कुछ लगती ही नहीं। नालायक कहीं का। नालायक? देखो मिस्टर नालायक, अभी तो मैंने तुम्हें दवाई पिला दी, लेकिन अगर कभी मैं बीमार पड़ा तो मैं भी दवाई सिर्फ तुम्हारे हाथ से पीऊंगा। मेरे पापा कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कम ऑन जय, तुम्हें अभी काम नहीं शुरू करना चाहिए, कुछ एक दिन और ठहर जाते तो अच्छा होता है। ये ऑर्डर किसका पास किया गया है? रोहन का। आगे से कोई ऑर्डर रोहन पास नहीं करेगा। मतलब? मतलब ऑर्डर पास करेंगे मैं, तुम या मिस्टर गुप्ता। जय, ये कैसे हो सकता है? तुमने तो खुद ही नो आर्गुमेंट्स सक्सेस। लेकिन जय मेरी बात, आपने अंकल को काम पर लगा दिया। अरे मैं क्या लगाऊंगा, वो बॉस है, खुद ही लग लेते। दिस इज नॉट डन, आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। प्लीज प्लीज प्लीज, बिल्कुल नहीं, ये काम के चक्कर में ही आप बीमार पड़ गए हैं। चलिए अपने कमरे में चलिए। बेटा छोटा सा, नहीं बिल्कुल नहीं, कम ऑन लेट्स गो इनटू योर रूम। भाभी के बाद कोई तो है तुम पर हुकुम चलाने वाला। अरे जब बहू बन जाएगी ना तब पूरा कंट्रोल में रखेगी। सक्सेना, ये बहू का नहीं बेटी का कंट्रोल है, मेरी बेटी का। चलिए। हाँ बाबा, हाँ मैं आज शाम को आ रही हूँ। हाँ ओके। पापा पहले से बेटर हैं, पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। आई मीन ही इज ऑल राइट, बट थोड़ी केयर करने की जरूरत है। ओके हाँ, तुम एयरपोर्ट गाड़ी जरूर भेज देना। ओके ओके बाय। गॉड, एक दिन घर से बाहर क्या जाओ, हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। रवि की पेरेंट टीचर मीटिंग है और मेरा रहना जरूरी है। टाइम भी हो गया, ये काका कहाँ रह गए? काका, काका, काका को टैक्सी लाने के लिए कहा था, पता नहीं कहाँ रह गए। पूजा टैक्सी आ जाएगी, तुम जाके पहले पापा से तो मिल लो। भैया पापा से तो मिलना ही है। रोहन, पापा अपने कमरे में ही है ना? दीदी कमरे में तो है, लेकिन तुम्हारे जाने का सुनकर खुश नहीं होंगे। आई नो रोहन, बट आई एम हेल्पलेस, आई हैव टू गो। पूजा तुम्हारी फ्लाइट आज तो गई। ओ गॉड, भैया मुझे भी ऐसा लग रहा है। रोहन प्लीज तुम जाओ ना, टैक्सी लेकर आओ प्लीज, गो फास्ट। ओ गॉड, पापा को भी मिलना है, टाइम भी नहीं है। भैया प्लीज तुम चलो मेरे साथ पापा को मिलने। पागल हो? तुम्हारे साथ मैंने अपने जाने की बात कही तो एकदम भड़क जाएंगे पापा। माया आ रही है, मैं उसके साथ ही उनसे मिल लूंगा। क्या तुम भी जा रहे हो? भैया तुम्हें क्या जल्दी जाने की है? पूजा मुझे बहुत काम है वहां। काम है कि भाभी का ऑर्डर है? शट अप यार, मैं यहीं बैठा रहूंगा तो वहां बिजनेस कौन करेगा? देख तुम्हारी टैक्सी आ गई है। थैंक गॉड, एटलीस्ट कोई तो चलो मेरे साथ पापा को मिलने। रोहन प्लीज तुम चलो ना मेरे साथ। कमाल है यार, तुम सबकी पकड़ में मैं ही आता हूँ। रोहन पापा का फेवरेट भी तो तू ही है ना, प्लीज कम विद मी प्लीज। वाव अंकल, क्या लाइफलाइन है, आप तो पूरे 100 साल जीने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत जी लिया मैं। अंकल, पापा, पापा मैं जा रही हूँ, फिर आऊंगी। ठीक है, आती रहना।
हाँ पापा, कोशिश करूंगी। वैसे रोहन तो है ही आपके पास। मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन नहीं है, ये बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ। यहाँ पर किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। पापा, बेटा कहने का मतलब ये है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। मैं आई कैन टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। तुम जा। पापा अगर आप कहें तो मैं जाना कैंसिल कर सकती हूँ। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुम्हें काम है, तुम जाओ। आर यू श्योर पापा? यस आई एम वेरी मच श्योर। बाय पापा। बाय बेटा, टेक केयर। बाय नेहा। अरे मैं चलती हूँ ना बाहर तक। ओके आई हाँ अंकल, चलो फोन करना है। या श्योर। क्यों मारा? टेल मी, क्यों मारा तुमने रोहन को? तो बेटा ड्राइंग बुक फाड़ दी तो दूसरी आ जाती, इसमें मारने की क्या जरूरत थी? फिर से ऐसा करेगा तो मैं फिर से मारूंगा। ये दोनों तो बच्चे हैं, लेकिन तुम, दिस इज अ बिट टू मच। आई थिंक यू आर बीइंग वेरी पार्शियल टू रोहन। चलो बेटे चलो चलो चलो। बाबूजी आपका सिगरेट हम ला तो दे रहे हैं बाबूजी, पर रोहन भैया को पता चल गया तो हमारी छुट्टी कर देंगे। ये रोहन कौन होता है तुम्हारी छुट्टी करने वाला जी? तुम्हें तनख्वाह रोहन देता है कि मैं? गुड रोहन, ये बहुत अच्छा काम किया है तुमने। अरे जय खुश हो जाएगा। हाँ लेकिन कल की मीटिंग के पहले उसके अगर कमेंट्स ले लेते तो अच्छा होता। अरे अंकल वो तो बहुत जरूरी है, इतना बड़ा डिसीजन है, पापा की अप्रूवल तो लेनी होगी। एज अ फॉर्मेलिटी यस, लेकिन कोई वजह नहीं है उसके ना कहने की। अरे 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है। गो अहेड, ही विल बी प्राउड ऑफ यू। पापा आप सिगरेट पी रहे? डॉक्टर ने आपको सिगरेट पीने के लिए मना किया है ना पापा, छूने तक को मना किया और आप? बोलो क्या काम है? पापा आप जानते हैं ना आप कितने कमजोर हैं। पापा सिगरेट जहर है आपके लिए। Why don't you understand? Do you have anything else to say? पापा ये मैंने स्टडी किया है, अगर हम अपने ऑर्डर एक्सेप्टेंस की प्रायोरिटीज को बदल के वहां रख दो, आप अगर अभी देख लेते तो कहीं आग लगी है क्या कि फायर ब्रिगेड बुलाना अभी जरूरी है? और जरूरी नहीं कि तुम्हारे हां कहते ही सारे काम हो जाएं। Keep it here and go away. पापा, don't you understand it? Why don't you leave me alone for some time? रोहन तुम्हारी अदरक वाली चाय। थैंक्स। आई डोंट अंडरस्टैंड रोहन, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? इट्स नथिंग यार, वहां के जाने का शौक है, और वैसे भी कभी कभी दिल का दर्द गुस्सा बनकर निकल ही जाता है। सिर्फ तुम पर? ऐसा कुछ नहीं है नेहा, हर्ट तो मुझे भी होता है, लेकिन मेरे अलावा पापा के पास और है ही कौन? दीदी और भैया तो चले गए, और वैसे भी इंसान जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है नाराज भी तो उसी पे होता है ना। There's something more to it. उनसे बात करो, पूछो क्या बात है। नो नेहा, पापा बीमार है, हम उन्हें स्ट्रेन नहीं कर सकते, सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा पापा, अब यहां आ रहे मेरे घर रहने के लिए? सुनकर बहुत अच्छा लगा पापा। पापा पापा आपको
वहां कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, अभी बस मन नहीं लग रहा मेरा इस घर में। वहां आ जाऊंगा दो चार दिन, बच्चों के साथ जी बहल जाएगा, अगर माया को एतराज ना हो तो। नहीं नहीं पापा, बल्कि माया को तो बहुत खुशी होगी। तो ठीक है, मैं शाम तक आ जाऊंगा, तुम घर पर ही रहना। ठीक है पापा। माया वो पापा सुन लिया, अब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी? प्लीज माया प्लीज, सिर्फ दो चार दिन की तो बात है। तुम्हें मालूम है ना, मुझे मेहमान नवाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माया, वहां वहां पापा को माँ की याद आती होगी। अगर ऐसा ही है तो फिर वो तीर्थ वीर्थ करने क्यों नहीं चले जाते? मन को भी शांति मिलेगी और माँ को भी भूल पाएंगे। शंभू, ये पापा की दवाई है। जगदीश काका, जी जी, क्या छुपा रहे हैं आप? जी वो दिखाइए मुझे। जी सिगरेट, आपको सिगरेट लाने के लिए मना किया था ना मैंने? ये मेरी सिगरेट है, गिव इट टू मी। पापा सिगरेट आपको मना है? आई सेड गिव इट टू मी। पापा प्लीज सिगरेट मत पीजिए। लिसन, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने जीने मरने की फिक्र मैं खुद कर सकता हूं। अभी कहाँ है? आते ही होंगे, दोस्त के यहाँ गए। यहाँ नहीं, अंदर लेके चलो। पापा ये अभी क्यों नहीं अंदर चलकर आराम कर लेते? आइए। बच्चे कहाँ हैं? जी ट्यूशन पढ़ने गए। अच्छा बेटा, एक ग्लास और थोड़ा पानी भिजवा देना। ठीक है। नहीं जाना मुझे उसके यहाँ, मुझे नहीं जाना उसके घर। वो बेटा है तुम्हारा। ऐसे बेटे से तो बेटा ना होता तो बहुत अच्छा था, घर जमाई बन गया है, बेबी की गुलामी कर रहा है, स्पाइनलेस। अभी के घर छोड़ने में तुम्हारा भी हाथ है जय। सारा प्यार तुमने रोहन पर लुटा दिया। रोहन उस प्यार का बदला भी दे रहा विद्या, एक वही है जो अपने पराए में फर्क समझता है। रोहन सपने में भी कभी हमें छोड़कर जाने की बात नहीं सोच सकता है। काम कैसा चल रहा है अभी? अच्छा है पापा, इधर मार्केट सुधरा है तो डिमांड भी निकल आई। प्रोडक्शन बढ़ाया? नहीं नहीं पापा, अभी तो मार्जिनल कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। जब तक ट्रेंड सेट नहीं हो जाता तब तक ओवरहेड्स को छेड़ना ठीक नहीं है। गुड। लगता है माया ने तुम्हें बिजनेस के सारे ट्रिक्स सिखा दिए। मैंने नहीं, डैडी ने सिखाया है। हमसे तो कभी कुछ सीख नहीं पाया। ये भी तो हो सकता है कि आपने कभी सिखाने की कोशिश ही नहीं की हो। माया, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ अभी। पापा प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपना समझ कर अगर सिखाया जाए तो पत्थर भी तैना सीख लेता है। माया प्लीज, उसे कहने दो अभी। माया ठीक कहती है, शायद मैं ही तुम्हें कभी अपनापन नहीं दे पाया, या यूं कहूं कि अपने को अपना और पराये को पराया न समझ पाया। इसीलिए तो तुम्हें गैरों में भी अपनापन मिल गया और मुझे। एनीवे, मैं अपने कमरे में जाता हूं। पापा पहले खाना तो खा लो। खा लिया बेटा, खा लिया। थैंक यू। माया, लगता है पापा को तुम्हारी बात का बुरा लग गया। सच अगर इतना बुरा लगता है लगा करे, तुम खाना खाओ। गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। दादाजी आपके मुंह में से बदबू आ रही है, ये क्या है दादाजी? बेटा ये दवाई है। अरे नहीं दादाजी, आप झूठ बोल रही है, तो विस्की है। रुचि कमला, यहाँ ग्लास टूट गया है अंदर, सारे कमरे में बदबू फैल गई है। कमला, जो कभी नहीं हुआ वो अब सब कुछ हो रहा है इस घर में। चलो चले चलो, चलो।
रोहन पानी, I'm telling you अभी ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा, ये हमारा घर है, कोई बात नहीं है माया, बस दो चार दिन की तो बात है। लेकिन क्यों, ये दो चार दिन भी क्यों? वो दरअसल माँ के बगैर बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं माया। किस बात का अकेलापन? क्यों, उनका लाडला रोहन नहीं है? उसके साथ शराब पीकर अपना अकेलापन दूर नहीं कर सकते? अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? वो माँ के जाने से बहुत दुखी है माया, इसलिए। तो दुख क्या ऐसे मनाया जाता है, शराब पीकर? अरे दुनिया भर के लोग दान धर्म करके, भजन पूजन करके मरने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, और ये शराब पीकर अय्याशी कर रहे? चुप करो प्लीज। उन्हें वापस जाने को कह दो, वरना। कह दूंगा मैं, कल सुबह ही उनसे कह दूंगा माया, लेकिन अभी तो चुप करो प्लीज, फॉर गॉड्स सेक। कह दो तो अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती उन्हें मेरे हाथों बेइज्जत होना पड़े। How do you feel now, Jay? Better. Good. Neha, bete. Abhi bhaiya se khabar mili to Rohan aapko yahan le aaye. Dar raha tha kahin aapko bura na lage. Papa looks all right. Mm-hmm. Rohan, ye dawai waqt par dete raho. He'll be all right. Hmm? Okay, Jay. मैं चलता हूँ, टेक केयर, खुश रहा करो, जल्दी अच्छे हो जाओगी। थैंक यू। सुना आपने डॉक्टर ने क्या कहा? तो आज से फिक्र करना बंद, और हाँ बाय द वे, सिगरेट तो बिल्कुल ही बंद, बहुत सिगरेट पी लिया आपने जिंदगी में, अब और नहीं। अंकल कैन ही मूव अबाउट? यस ही शुड, इनफैक्ट टेक हिम आउट फॉर वॉक्स, बस स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। देखो रोहन, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी से दूर रखने की कोशिश करो, उनकी ये हालत सिर्फ टेंशन की वजह से हुई है, और टेंशन में सिगरेट मेक्स मैटर्स वर्स। टेक केयर। हाँ अंकल, इसलिए मैंने पापा की देखभाल के लिए नेहा को यहाँ रहने की रिक्वेस्ट की है, कल से वो पापा को वॉक्स पर ले जाएगी, ही विल बी फाइन। ओ गुड, तुम्हें कितनी परेशानी में डाल दिया मैंने, बहुत परेशान कर रहा हूँ मैं तुम्हें। सच अंकल, बहुत परेशान कर रहे हैं, अगर आप अपना थोड़ा सा भी ख्याल रखते ना तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। कहाँ तुम्हारी एक महीने में शादी होने वाली थी, कहाँ तुम इन झंझटों में पड़ गई। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हें मालूम तो पड़ा कि तुम किस घर में जा रही हो, सारी जिंदगी एक सन की बूढ़े की सेवा में गुजारनी पड़ेगी, अभी भी मौका है नहीं। तुम चाहो तो रोहन से शादी का इरादा बदल सकती है। आप बेवजह सोचना बंद नहीं करेंगे ना, कम से कम अच्छी अच्छी बातें तो सोचिए, ये उल्टा सीधा सोच सोच कर ही आपने अपनी ये हालत बना रखी है। मतलब अब मुझे सोचने की और बात करने की भी आजादी नहीं है? बिल्कुल नहीं, अब जो मैं कहूंगी आप वही करेंगे बस। हिटलर, कुछ भी कह लीजिए। ये क्या कर रहे हैं जी? जी वो मालकिन की फोटो पर माला चढ़ा रहा था जी, वो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्यों जी बाबूजी? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
जो मर गया है उसे भगवान बनाना जरूरी है क्या? हटाओ ये सब, हटाओ, हटाओ सब। पापा आप काका को क्यों डांट रहे हैं? काका को मैंने बोला था माँ पर फूल चढ़ा दे। आपने काका को ये सब क्यों कहा था और किस लिए कहा था और आपको ये सब कहने की जरूरत क्या थी? पापा आप शायद भूल रहे हैं आज माँ का जन्मदिन। तो पापा माँ को याद तो कर सकते हैं। याद करने का मतलब ये ढोंग रचाना नहीं होता है। बंद करो ये सब नाटकबाजी और की तो ये फोटो उठाकर भी बाहर फेंक दूंगा। याद करने का मतलब होता है तुम भूल गए हो और मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, कुछ भी नहीं भूला हूँ मैं। मुझे सब कुछ याद है, सब याद है मुझे। आखिर आपने क्या सोच रखा है? नथिंग इज वर्थ लिविंग, कुछ भी नहीं। क्या चाहते हैं आप अंकल? ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से आप, आपको हर चीज से इतनी नफरत हो गई है? बेटे जिंदगी बड़ी अजीब है, मुट्ठी में मोती समझ के भीजते हैं पानी की तरह बह के निकल जाती है और हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। मैं समझी नहीं। तुम समझोगी भी नहीं। कैसे समझूंगी? कोई इतनी बड़ी चीज आज तक खोई ही नहीं कि हाथ खाली लगे। मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूं। चलो कुछ तो है तुम्हारे पास। और आपके पास कुछ भी नहीं। गलत, लोग तो गैरों के लिए भी जी लेते हैं, फिर आपके पास तो आपके अपने हैं। यही तो मुश्किल है, जो अपने लगते हैं वो है नहीं, जो है वो अपने होना नहीं चाहते। एक बेटी है, बेटी ऐसे भी पराई होती है वैसे भी पराई है। एक बेटा है जो अपनों को गैर और गैरों को अपना बना बैठा है। एक बीवी थी जो जाने से पहले इतना दर्द देके गई कि शायद कोई पराया भी ना देख पाता। और रोहन, रोहन के बारे में आप बात भी नहीं करना चाहते। ऐसा कौन सा अपराध किया है रोहन ने कि आप उसके बारे में? छोड़ो बेटा, कुछ बातें ना कही जाएं तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता। रोहन मेरा होने वाला पति है, आपका वारिस है रोहन। रोहन मेरा वारिस नहीं है। क्या? रोहन मेरा वारिस नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। रोहन तो मेरा बेटा भी नहीं है, वो मेरा बेटा भी नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये किसका दुर्भाग्य है। मेरा
तुम्हारा या रोहन का? अगर सच्चाई ये है, रोहन मेरा बेटा नहीं है, रोहन मेरा बेटा नहीं है, रोहन मेरा बेटा नहीं, नेहा, नेहा तुम यहां पर बैठी हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूं। क्या बात है नेहा, तुम रो रही हो क्या? नहीं नहीं, तो आंख में कुछ पड़ गया था। ये लिफाफा कैसा है? ओ, यही तो दिखाने के लिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। बॉस्टन सॉफ्टवेयर से अपॉइंटमेंट लेटर आया है, लिखा है हफ्ते में ज्वाइन करो। ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ नेहा, मैं पापा को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं इसे रिफ्यूज कर रहा हूँ। ऐसा मत करना, ये तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा मौका है रोहन। कोई भी मौका पापा की जिंदगी से अच्छा नहीं हो सकता। तुम समझते क्यों नहीं हो रोहन? नो नेहा, भाई मेरे अलावा पापा के पास यहाँ है कौन, उनकी देखभाल कौन करेगा? और मैं जानता हूँ पापा चाहे जितने मर्जी नाराज हो जाए, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। नेहा, नेहा क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? नेहा, 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 तुम समझते क्यों नहीं हो रोहन, तुम उनके कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, तुम तो उनके बेटे भी नहीं हो। पापा, पापा, अच्छा किया जो आपने नेहा को सब कुछ बता दिया, अब वो ठंडे दिमाग से अपने भविष्य का फैसला कर सकेगी। आपने मेरा काम आसान कर दिया पापा, वरना उसे मुझे बताना पड़ता। क्या? यही कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। तो तुम्हारा मतलब मुझे पहले से ही मालूम था। मुझे मामा ने बताया था, आपसे पहले बताया था, और ये भी कहा था कि आपको भी बता देंगे। थैंक्स टू मामा, उन्होंने मुझे पहले बता दिया, तभी मैं अपने आप को आपके रिएक्शन सहने के लिए तैयार कर पाया। तुम इतने दिनों तक जानकर भी अनजान बना रहा, आपसे जुड़ा रहा, लगा आपको मेरी जरूरत है, आपकी फिक्र है मुझे पापा, लेकिन अब जरूरी हो गया है आपकी खुशी के लिए खुद को आपकी दुनिया से अलग कर दो। आप चाहे मुझे अपना बेटा माने या ना माने, मेरे लिए पापा का सिर्फ एक ही मतलब है, आप मेरे पापा हैं और रहेंगे। आई लव यू पापा। Even if you hate me, चाह रहा हूं आपको बिना बताए यूएस में अप्लाई कर दिया था, आपसे दूर जरूर जा रहा हूं लेकिन अलग नहीं हो रहा हूं पापा। जब कभी भी इस नालायक बेटे की जरूरत पड़े, एक आवाज लगा दीजिएगा,
सब कुछ छोड़कर चला आऊंगा आपके पास, सब कुछ छोड़कर चला आऊंगा पापा। पापा, कैसी तबीयत है आपकी? रोहन कहाँ है? पापा, वो रोहन कहाँ है? रोहन कहाँ है? रोहन चला गया और तुमने उसको जाने दिया? अंकल, क्यों जाने दिया उसको? किसी ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं की किसी ने उसको रोकने की कोशिश रोहन को? पापा प्लीज, डॉक्टर ने आपको मना किया है। टू हेल विद डॉक्टर यार, किसी ने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? सक्सर है, वेयर इज रोहन? जय, मेरी बात सुनो। वेयर इज ही? पापा कूल डाउन। वेयर इज रोहन? वेयर इज रोहन? तुमने उसको कूल डाउन क्यों नहीं? पापा वेयर इज रोहन? वेयर इज रोहन? वेयर इज रोहन? पापा रोहन, आई एम सॉरी पापा, डॉक्टर ने मुझे दवाई लेने के लिए कहा था इसलिए मैं। और तुम चले गए? किसने कहा था तुम्हें दवाई लाने के लिए? कोई और नहीं है क्या इस घर में दवाई लाने के लिए? बहुत फिक्र है ना तुम्हें मेरी, इसीलिए बेहोशी की हालत में मुझे छोड़कर चले गए थे तुम। मुझे किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती थी, क्योंकि तुम्ही ने कहा था कि अगर मैं तुम्हें किसी भी वक्त पुकारूं तो तुम फौरन चले आओगे, और मैं यहां इतनी देर से पुकार रहा हूं, तुम्हें बार बार नाम लेके बोल रहा हूं, रोहन रोहन रोहन। Where is Rohan? Where is Rohan? Excuse me, please. आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना नेहा, आराम की सख्त जरूरत है। आप लोग सब लोग बाहर चलिए, आइए प्लीज। माया आइए, नेहा मुझे आप लोगों से बात करनी है, आइए आइए। कम कम ऑन कम रोहन, यू टू, आई नीड टू टॉक टू यू, कम। Take care, Papa. सुनो, मैं माफी तो नहीं मांगूंगा तुमसे, लेकिन अगर तुम्हें मेरी जरा सी भी फिक्र हो, मुझे कभी छोड़कर जाने की बात मत करना बेटे। मुझे छोड़ के जाने की बात।